ये वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा जब जिशन नाम के लड़के को डांस एकेडमी में आशी नाम की इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो स्केच देके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। प्रपोज करने का ये अंदाज इतना निराला था कि इसको देखने के बाद हिंदुस्तान के सभी यंग लड़के लड़कियों के दिलों में खलबली मच गई और कमेंट सेक्शन में मानो मोहब्बत का सैलाब सा आ गया। उसी वीडियो से इंस्पायर होकर के प्रीति नाम की इस लड़की ने हमारी टीम को संपर्क किया और बताया कि इसे भी इसके कॉलेज के एक लड़के से बेतहाशा मोहब्बत हो चुकी है और आज उस लड़के का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पे लड़की उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज देना चाहती है। उसे स्केच देके आज वो सबके सामने कॉलेज में प्रपोज करना चाहती है। चलिए अब जल्दी से आर्टिस्ट से स्केच बनवा लेते हैं और फिर लड़के को कॉलेज जाके सरप्राइज देते हैं। बनाने वाली चित्रकार का नाम है खूबसूरत चित्रकार मिस लक्ष्मी सिंह। इनके इंस्टाग्राम पे जाके आप डीएम कर सकते हैं अगर आपको भी इस तरह का कोई सरप्राइज स्केच बनवाना है तो। और इनके यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट लक्ष्मी सिंह को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेंटिंग करना एक मेडिटेशन की तरह है और हर मेडिटेशन की जब चरम सीमा पे एक इंसान पहुंचता है तो उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, बोले तो कुछ सुपर नेचुरल पावर। अब मानो या ना मानो, जब आप एक पेंसिल से बना स्केच देखते हो और वर्सेस आप जब एक कैमरे से क्लिक किया गया फोटो देखते हो तो दोनों को देख करके आपको अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। स्केच को देख कर आपके अंदर एक डोपामाइन नाम का हार्मोन है जो बहुत तेज़ी से रिलीज होता है और पीक लेवल पर पहुँच जाता है। उस वक़्त अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो वो आपको मना नहीं कर सकता। बहुत हाई चांसेस है कि उस व्यक्ति को सामने वाले से मोहब्बत हो जाए। लीजिए साहब, बातों ही बातों में हमारा स्केच बनके तैयार हो चुका है। स्केच अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी पूरी टीम के साथ हम आ पहुँचे हैं पटना कॉलेज, जहाँ हमारे बहुत से कैमरामैन जो है तैनात है ताकि आपको बेस्ट विजुअल्स मिल सकें। अब एक प्यारा सा गाना बजेगा, आप सभी उसे इंजॉय करें। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। दिल तो मासूम है, दिल तो नादान है, इश्क की गहराइयों से वो अनजान है। दिल को मालूम है पर परेशान है, उसकी आहट को सुन के वो हैरान है। उम्मीदों की कश्ती संभाले फिरे सोच कर जिन फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। भाई साहब अपना तोहफा खोल रहे हैं और इसी के अंदर ही स्केच मिलने वाला है। देखते हैं स्केच अपना जादू चलाता है या नहीं चलाता है। अरे यार पीछा क्यों कर रहे हो, जाओ रुक लो। अरे बोलो ना, बोल भी दो मैडम, लड़के का दिल फटने को है। मोहब्बत में सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है इंसान के अंदर का डर। या तो मोहब्बत जीतती है या तो ये डर उसे खा जाता है। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या है ज़िंदगी, मैंने पलट के जवाब दिया कि ज़िंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ तलाश है मोहब्बत की, उसे पाने की चाहत रखना फिर उसे पा लेना, मिल जाए तो दिलो जान से उसे निभाना और उसे स्वीकारना, और यदि ना मिले तो उसकी चाहत में कुछ भी कर गुजर जाने का नाम ही ज़िंदगी है।